एंजिन कंसंट्रेशन ऑफ एनी वन ऑफ द रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स पर यूनिट टाइम। ये दो डिस्कशन है आपका रेट ऑफ रिएक्शन का, इसे याद कर लेना आप लोग। और बेटा जो है एक होता है कि कौन कौन सा फैक्टर रेट ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट करते हैं, मैंने बताया था आपको ध्यान होगा। एक होता है आपका कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, दूसरा है आपका नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, नेक्स्ट है टेम्परेचर, नेक्स्ट है प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, नेक्स्ट आपका है जो है सरफेस एरिया, लास्ट में है एक्सपोजर टू रेडिएशन। छह होते हैं फैक्टर जो कि रेट ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट करते हैं। मुझे लगता है आप में से कई लोगों को याद भी हो गया होगा। पहला फैक्टर क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, दूसरा है नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, नेक्स्ट आपका है सरफेस एरिया, नेक्स्ट आपका है नेक्स्ट बेटा आपका है जो है टेम्परेचर, उसके बाद जो है आपका एक्सपोजर टू रेडिएशन है, प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट है, और लास्ट में आपका एक और है जो है आपका जो है सरफेस एरिया। तो आपको समझ समझ आ गया होगा। अच्छा कल मैंने बताया था बेटा ये सब चीज आप लोग लर्न करना, सब चीजें जो मैं बार बार रिवाइज करा रहा हूँ ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं। तो अब मैंने बताया था आपको कि व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो मैंने बताया था आपको ध्यान होगा किसी बच्चों को याद है, द सम ऑफ पावर रेज्ड ऑन द कंसंट्रेशन टर्म इन द रेट लॉ एक्सप्रेशन इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्या होता है, द सम ऑफ पावर रेज ऑन द कंसंट्रेशन टर्म इन द रेट लॉ एक्सप्रेशन इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। मॉलिक्युलरिटी क्या होती है, इट इज द मिनिमम नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल पार्टिसिपेटिंग इन ए केमिकल रिएक्शन। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन देम, तो पहला डिफरेंस बता ही दिया, दोनों का डिफरेंशन हो गया। दूसरा डिफरेंस क्या होता है बेटा, दूसरा इसका डिफरेंस होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी जीरो, लेकिन जो मॉलिक्युलरिटी होती है इट कैन नॉट बी जीरो। इसमें होता है इट मे बी फ्रैक्शनल, इट मे बी फ्रैक्शनल, जो हमारा मॉलिक्युलरिटी होता है इट इज ऑलवेज ए होल नंबर। ऑर्डर होता है दैट कैन बी डिटरमिन्ड एक्सपेरिमेंटली, हम किसी रिएक्शन को देख कर नहीं बता सकते हैं हमारा रिएक्शन किस ऑर्डर का है, जबकि वो है हमारा मॉलिक्युलरिटी है, दिस इज द थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट। तो मैंने सब पहले ऑलरेडी पढ़ा दिया था आपको, जो बच्चे अभी लगातार क्लास ले रहे हैं उनको सब समझ में आ रहा हो। अच्छा कल ही हमने पढ़ा था एक होता है सूडो केमिकल रिएक्शन या सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, कल पढ़ा था मैंने आप लोगों को सूडो केमिकल रिएक्शन और सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। यानी इसमें बेटा इसका मतलब होता है कि जो दिखता है वो है नहीं और जो है वो दिखता नहीं, इसका मतलब ये होता है जो दिखता है वो है नहीं और जो है वो दिखता नहीं। जैसे एग्जांपल के लिए क्या होता है इसका रिएक्शन, सबसे इजी इसका जो डेफिनेशन है वो क्या है, द रिएक्शन हुज मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन इज टू एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज वन, दिस इज कॉल्ड सूडो केमिकल रिएक्शन। आपको ध्यान होगा क्या होता है, सबसे सिंपल डेफिनेशन इसका यही है सूडो केमिकल रिएक्शन का या सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। क्या होता है, द रिएक्शन हुज मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन इज टू एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज वन, दिस इज कॉल्ड सूडो केमिकल रिएक्शन और सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। या इसको हम और भी कह सकते हैं, द रिएक्शन व्हिच सीम्स टू बी हायर ऑर्डर, जो रिएक्शन देखने में लगता है कि हायर ऑर्डर का होगा बट इट इज ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इट इज कॉल्ड सूडो केमिकल रिएक्शन और सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, एंड देखने में होता है हायर ऑर्डर लेकिन होता है फर्स्ट ऑर्डर का। इसके मैंने एग्जाम्पल भी बताया था कल, ध्यान होगा आपको एग्जाम्पल इसका दो याद कर लेना क्योंकि दो एग्जाम्पल पूछा था इसमें। तो क्या होता है एग्जाम्पल, बहुत इजी एग्जाम्पल है, आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं बायो मॉलिक्यूल में, C12H22O11+H2O गिव्स C6H12O6+C6H12O6, यानी सुक्रोज के जो हाइड्रोलिसिस से ग्लूकोज और फ्रक्टोज फॉर्म होता है। ये हमारा एग्जाम्पल है किसका, सूडो केमिकल रिएक्शन, ठीक है, या सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। दूसरा इसका एग्जाम्पल एक और है, CH3COC2H5+H2O gives CH3COOH+C2H5OH, या इसका एक और एग्जाम्पल होता है CH3COCH3+H2O gives CH3COOH+C3OH। ये हो गए हमारे जो है सूडो केमिकल रिएक्शन के एग्जांपल। व्हाट इज सूडो केमिकल रिएक्शन, सबसे सिंपल डेफिनेशन यही है बेटा कि द रिएक्शन हुज मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन इज टू एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज वन, इट इज नोन एज सूडो केमिकल रिएक्शन। कल हमने बताया था आप लोगों को कि
फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का अगर सॉलिड लिक्विड स्टेट भेगा तो उसका जो है के का जो है यूनिट क्या होती है, जीरो ऑर्डर के लिए आपको बच्चों को याद हो गया होगा, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो है के की यूनिट होती है मोल पर लीटर पर सेकंड, फर्स्ट ऑर्डर के लिए होती है सेकंड इनवर्स, सेकंड ऑर्डर के लिए होती है लीटर मोल माइनस वन सेकंड इनवर्स, और थर्ड के लिए होती है लीटर स्क्वायर मोल माइनस टू सेकंड इनवर्स। ये मैंने आपको ऑलरेडी कल बता दिया था। अच्छा, इसी का अगर गैसीय रिएक्शन रहेगा तो क्या होगा, जीरो ऑर्डर का होता है एटीएम पर सेकंड, जीरो ऑर्डर क्या होता है एटीएम पर सेकंड, फर्स्ट ऑर्डर होता है आपका जो है एटीएम पे माइनस वन पर सेकंड, सेकंड का होता है एटीएम पे माइनस टू, किस साथ गड़बड़ बोल दिया मैंने जो है, एक मिनट हाँ बच्चों, तो जीरो ऑर्डर एक मिनट, जीरो ऑर्डर के लिए होता है एटीएम पर सेकंड, हाँ फर्स्ट ऑर्डर के लिए होता है सेकंड इनवर्स, ये दोनों केस में होता है, सेकंड इनवर्स से जो यूनिट होती है दोनों केस का होता है आपका जो है, चाहे सॉलिड लिक्विड वाले हो चाहे गैस का हो, और फिर सेकंड का होता है आपका जो है एटीएम माइनस वन सेकंड माइनस वन, और थर्ड होता है एटीएम माइनस टू सेकंड इनवर्स, ये आपने कल देख लिया था। अब हम पढ़ाते हैं आपको यहाँ से फिर से। अच्छा, एक बार रेट लॉ बता देते हैं आपको, एक मिनट, रेट लॉ का जो एक डेफिनेशन हमने कल बताया था आपको पहले भी, कि द रिलेशनशिप बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन एंड कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स इज कॉल्ड रेट लॉ। ये क्या होता है, द रिलेशनशिप बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन एंड कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज कॉल्ड रेट लॉ। ये आज का जो है आपके एक और लिखा हुआ है यहाँ पे डेफिनेशन इसका जो है यहाँ लिखा हुआ आप देख पढ़ पा रहे होंगे, इट इज ए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दैट गिव्स द ट्रू रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट व्हिच एक्चुअली इन्फ्लुएंस द रेट इज कॉल्ड रेट लॉ। यानी इट इज ए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, यानी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है रेट लॉ दैट गिव्स द ट्रू रेट ऑफ रिएक्शन, ये वास्तविक जो है रेट ऑफ रिएक्शन को बताता है, इन टर्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स व्हिच एक्चुअली इन्फ्लुएंस द रेट ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड रेट लॉ। हमने यहाँ लिखवाया है आपका कंसीडर जनरल रिएक्शन ए प्लस बी इक्वल टू प्रोडक्ट, तो यहाँ लिखा हुआ नीचे इंपॉर्टेंट लाइन है कि द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स रेज टू सर्टेन पावर, यानी रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए की पावर अल्फा बी की पावर बीटा, जहां पे जो हमारा स्क्वायर ब्रैकेट में ए और बी है क्या है कंसंट्रेशन टर्म है, या फिर हो जाएगा रेट इक्वल टू के ए की अल्फा और बी की बीटा, जहां के क्या होता है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है, इसको रेट कांस्टेंट और वेलोसिटी कांस्टेंट भी बोलते हैं, या इसको बोलते हैं जो है स्पेसिफिक रिएक्शन रेट भी बोलते हैं। अब के की वैल्यू मैंने बता दिया था इसकी जो है आपको याद ही हो गया होगा जो है कि जीरो ऑर्डर के लिए होता है मोल पर लीटर पर सेकंड, फर्स्ट ऑर्डर के लिए सेकंड इनवर्स, सेकंड ऑर्डर के लिए लीटर मोल माइनस टू सेकंड इनवर्स, और थर्ड के लिए लीटर स्क्वायर मोल माइनस टू सेकंड इनवर्स, कैसे आता है सब आपको पता हो गया। इसका जनरल जानते हो क्या होता है, के इक्वल टू होता है मोल पर लीटर वन माइनस एन पावर में रहता है सेकंड इनवर्स, अब एन की वैल्यू जीरो वन टू थ्री पुट कर दोगे तो आप उसकी जो है वैल्यू निकाल सकते हो। चलो खरे ये सब चीज मैं खाली रिवाइज कर रहा है खाली आपका, ये सब आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। अब एक बार फिर से कल हमने पढ़ाया था वही चीज पढ़ाएंगे आपको, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का डेरिवेशन। नेक्स्ट है आपका इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, कल मैंने आपको सिखाया था यही, एक बार फिर से रिवाइज करता हूँ, इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। पहले हम बात करेंगे व्हाट इज द जीरो ऑर्डर रिएक्शन, If rate of reaction is independent of the concentration of reactants, it is called zero order reaction। मैंने बताया था आपको पहले भी कि जिस रिएक्शन के रेट जो होता है किसी भी
रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है, उसे हम बोलते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन बोलते हैं। कंसीडर ए जनरल, कंसीडर ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन, मान लो एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, मान लो एग्जांपल पता है ना आपको, एक होता है आपका H2+Cl2 सनलाइट होता है, 2HCl ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन होता है, एक होता है आपका NH3 को इसमें करते हैं जो है हम आपको सामने यहाँ लिखा हुआ है जीरो ऑर्डर के नीचे, टू एन ऊपर देखो यहाँ लिखा हुआ ना 2NH3 देखो ये वाला है, ये जो एग्जांपल है ये भी जीरो ऑर्डर का, कौन सा 2NH3 प्लेटिनम कैटलिस्ट होती है, इससे N2+3H2 यानी अमोनिया का डिकम्पोजिशन, ये भी जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। इसका क्या होता है रेट इक्वल टू K NH3 पे जीरो पावर, मतलब इसका क्या है जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है। तो क्या होता है, व्हाट इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन, इफ रेट ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स इट इज कॉल्ड जीरो ऑर्डर रिएक्शन। कंसीडर ए जनरल जीरो ऑर्डर रिएक्शन ए से प्रोडक्ट, हमने सपोज कर लिया है कि इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज ए जीरो, ए जीरो कहां पे है, ए कहां पे है, यहां पे, और कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम टी इज ए, आफ्टर टाइम टी कितना है तुम्हारा जो है, एंड इनिशियल आपका ये है, ये आपका ए जीरो हो गया इनिशियल, और कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम टी कितना है ए है, ए। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन का क्या हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन माइनस DA/dt इक्वल टू के ए की पावर जीरो। अब जानते हो जब रेट लॉ लिखते हैं जो है तो जीरो ऑर्डर के लिए ऊपर जीरो लिखते हैं, देखो यहाँ भी देखो जीरो लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या है रेट इक्वल टू के NH3 पे जीरो है, यानी जीरो ऑर्डर पे उस पे जो है कंसंट्रेशन टर्म ऊपर लिखते हैं जीरो लिखते हैं, तो जीरो ऑर्डर हो गया, ठीक है। अब बेटे आप जानते हो जब किसी चीज पे जो है जीरो पावर होती है तो उसकी वैल्यू हो जाती है वन, ये हो जाएगा हमारा माइनस DA/dt इक्वल टू के, आप देख सकते हो इसको यहाँ पे माइनस DA/dt इक्वल टू के, क्योंकि जो हमारा ए जो पावर जीरो था वो खत्म हो गया, उसकी वैल्यू वन होती है। अब इसको हमने कर लिया है सिंपली जो है कि DA = -KdT, आप जानते हो सिंपल मैथमेटिक्स यहाँ पे है DA = -KdT। अब इसका इंटीग्रेशन लिया हमने, तो इंटीग्रेशन देख लिया हमने जो है कि इंटीग्रेशन DA = -KdT, हालांकि हम चाहे तो K भी बाहर कर ले, क्योंकि हमारा जो कांस्टेंट होता है उसका इंटीग्रेशन नहीं होता है, तो हम कर सकते हैं इसको ऐसे कि इंटीग्रेशन DA = -K DT ऐसा कर सकते हैं। अब आप जानते हो मैथमेटिक्स फार्मूला होगा, जो बच्चे मैथमेटिक्स है इंटीग्रेशन आपने पढ़ा हुआ आई थिंक, तो आप जानते हो कि इंटीग्रेशन dx इक्वल टू होता है x होता है, इंटीग्रेशन dx इक्वल टू क्या होता है x, ठीक बेटा। तो यानी जो है इंटीग्रेशन dA है इक्वल टू कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा a हो जाएगा इक्वल टू, अब k की जो होता है वो तो कांस्टेंट है, उसका इंटीग्रेशन होता नहीं है। अब इंटीग्रेशन dt तो वही सेम बेटा, इंटीग्रेशन dt इक्वल टू क्या हो जाएगा, t हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस, यानी ये होगा A = -KT+C। C क्या है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, जो बच्चे इंटीग्रेशन पढ़ा होगा मैथमेटिक्स वाले बच्चे जो है वो जानते होंगे कि एक कांस्टेंट भी लगता है उसमें, ये कोई जरूर नहीं है C लगाओ आप जो है, चाहे I लगा दो, कुछ भी लगा दो, तो एक होता है इंटीग्रेशन कांस्टेंट होता है। देखिए हाँ हमारा जो है कि इंटीग्रेशन DA = -KdT, सॉरी A = आ गया हमारा अल्टीमेटली -KT+C आ गया। हमने सपोज किया है कि जब at t = 0 यानी जब रिएक्शन स्टार्ट हुआ नहीं था उस समय हमारा जो है बचा हुआ कितना था, टोटल बचा हुआ था वो होगा A = हो जाएगा a, हमारा क्या रिमेनिंग है तो कितना था वो a 0 था, मैंने देखो यहाँ पे लिखा भी है फर्स्ट पेज पे, इस वैल्यू को हमने डाल दिया इक्वेशन वन में, तो क्या हो जाएगा, अब जहां पे a था वो हम लिख दिया a 0 या a 0 लिखते हैं इसको, माइनस के, अब टी क्या है t = 0 है, प्लस सी हो जाएगा, तब हमारा जो क्या होगा c = हो जाएगा ए पे a 0 हो जाएगा। अब इसको वैल्यू फिर से डाल दो इक्वेशन वन में, तो क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा
कि ए इक्वल टू माइनस के टी प्लस ए जीरो। अब इसको हम कर लेंगे तो हो जाएगा के टी इक्वल टू ए जीरो माइनस ए, यानी के टी इधर लाओगे राइट साइड में, सॉरी लेफ्ट साइड में, तो प्लस के टी हो जाएगा, और उधर ए जीरो पॉजिटिव में है, ए उधर ले जाओगे तो हो जाएगा हमारा जो है माइनस हो जाएगा। तो के टी इक्वल टू हो जाएगा ए जीरो माइनस ए, या के इक्वल टू हो जाएगा वन अपॉन टी ए जीरो माइनस ए हो जाएगा। ए है फर्स्ट ऑर्डर जीरो ऑर्डर रिएक्शन का फार्मूला है, ये क्या है जीरो ऑर्डर रिएक्शन का फार्मूला है, हालांकि इसके बेस कोई न्यूमेरिकल नहीं है, लेकिन फिर भी आपको डेरिवेशन आना चाहिए, बहुत सिंपल डेरिवेशन है, मैथमेटिक्स वालों के लिए कुछ है ही नहीं जो है, और बायो वालों के लिए भी कुछ भी नहीं है। तो ये हो गया आपका जो है जीरो ऑर्डर का फार्मूला, सब बच्चे याद कर लीजिए, के इक्वल टू वन अपॉन टी ए जीरो माइनस ए, जहाँ पे के क्या होता है रेट कॉन्स्टेंट और वेलोसिटी कॉन्स्टेंट होता है, टी होता है टाइम, और आपका ए नॉट क्या है इनिशियल कंसम्पशन ऑफ रिएक्टेंट, और ए क्या है रिमेनिंग कंसम्पशन ऑफ रिएक्टेंट। तो आप इसको समझ गए हैं। तो यहाँ पे एक चीज और है जो है, दिस इक्वेशन इज इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन ऑफ द जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है, एंड द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस रिएक्टेड इज प्रोपोर्शनल टू द टाइम, यानी कंसंट्रेशन डिपेंड नहीं करेगा, इनिशियल कंसंट्रेशन रिएक्टेंट के डिपेंड नहीं करेगा, वो किस पे डिपेंड करेगा, वो करेगा टाइम पे, ठीक है, तो जो किस पे करता है टाइम पे करता है, ना कि इनिशियल कंसंट्रेशन करता है, यहाँ पे कोई कंसंट्रेशन कोई टर्म्स में है भी नहीं। अब इसके बाद नेक्स्ट आपका है होता है खाली आपके कल दो दो डेरिवेशन पढ़ना है, एक हमारा जीरो ऑर्डर का, एक होता है फर्स्ट ऑर्डर, बस दो ही है आपके में सिलेबस में। तो दूसरा डेरिवेशन आप सिखा रहे हैं आपको, बहुत इजी भी है, इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इंटीग्रेटेड रेट आपने इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन फॉर जीरो ऑर्डर पढ़ा था, अब हम पढ़ेंगे किसके लिए जो है फर्स्ट ऑर्डर के लिए। अब फर्स्ट ऑर्डर होता क्या है कि इस फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होते हैं, व्हेन रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वन कंसंट्रेशन टर्म। आप जानते हो जब जब किसी भी रिएक्शन का रेट जो है रिएक्टेंट के किसी एक पे डिपेंड करता है उसको बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। एग्जांपल के लिए भी बताया था मैंने आपको सूडो केम्फर रिएक्शन में, C12H22O11+H2O gives C6H12O6+C6H12O6। आप जानते हो इस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी कितनी है, दो है, और लगता है सेकंड ऑर्डर रिएक्शन भी होगा, लेकिन आप जानते हो कि वो डिपेंड करेगा केवल कंसंट्रेशन किस पे करेगा, सुक्रोज करेगा, ना कि वाटर पे, इसलिए कौन सा रिएक्शन है हमारा, वो हमारा रिएक्शन है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। तो किस पे करेगा उसको, उसका रेट ऑफ रिएक्शन खाली केवल सुक्रोज पे करेगा, यानी C12H22O11 पे। ऐसे एस्टर वाले में किस पे करेगा, CH3C2H5 पे, इथाइल एसीटेट पे करेगा। ऐसे दूसरा एक और बताया था मैंने एग्जांपल, CH3C2CH3 पे करेगा, इसे बोलते हैं मिथाइल एसीटेट। तो फिर क्या सीखा, व्हाट इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, व्हेन रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वन कंसंट्रेशन टर्म, या कंसंट्रेशन ऑफ ओनली वन रिएक्टेंट, व्हेन रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ वन रिएक्टेंट, इट इज कॉल्ड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। हमने मान लो कंसिडर किया है वही जैसे पहले था जनरल, ए से प्रोडक्ट खो गया, और फिर हमने माना है यहाँ पे सपोज इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट ए, कैपिटल ए जो है इज स्मॉल ए, यानी एक हमारा कितना होगा स्मॉल ए हो गया, स्मॉल ए मोल पर लीटर एट टी जीरो, टी इक्वल टू जीरो, एंड आफ्टर टाइम टी लेट एक्स मोल ऑफ ए चेंजेज इनटू द प्रोडक्ट, ठीक है, तो क्या हो जाएगा हम अभी सिखा रहे हैं आपको इसको बेटा। देखो ये बेटा इसको मैं थोड़ा सा आपको और इजीली बता देता हूँ, हमारा इसको आप देखोगे ये बहुत इजी हो जाएगा फिर आपका। ए से हमारा क्या है प्रोडक्ट है, ठीक है, जब हमारा टाइम कितना था जीरो, टी इक्वल टू जीरो, तो हमारा कितना था एक मिनट, यानी जब हमारा टाइम कितना था जीरो, तो हमारा कितना था ए मोल था स्मॉल ए, जो हमारा कैपिटल ए था कितना था स्मॉल ए मोल है, और ये कितना था जीरो था,
ये कितना था जीरो। अब मान लो आफ्टर टाइम टी इसका मान लो एक्स मोल बदल गया प्रोडक्ट में, कहाँ बदल गया प्रोडक्ट में, तो यहाँ क्या बचेगा इनिशियल ओ ए था, अब एक्स मोल बदल गया प्रोडक्ट में तो क्या बचेगा यहाँ पे ए माइनस एक्स। ए नोट्स में दिया नहीं गया है इसे आप लोग, चलो मैं आपके पीडीएफ भेज दूंगा। ए से बन रहा है प्रोडक्ट एट टी इक्वल टू जीरो, मतलब रिएक्शन अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, उससे हमारा ए का कंसम्पशन कितना था स्मॉल ए था मोल, लेकिन प्रोडक्ट में कुछ रिएक्शन भी स्टार्ट नहीं हुआ है, प्रोडक्ट हमारा क्या था जीरो था, जीरो मोल था, लेकिन मान लो रिएक्शन स्टार्ट हुआ आफ्टर टाइम टी, रिएक्शन स्टार्ट हुआ और आफ्टर टाइम टी जो है उसके एक्स मोल किसमें बदल गए हमारे प्रोडक्ट बदल गए, तो कितना बचेगा ए माइनस एक्स बचेगा। ये चीज है इसे समझ लेना, मैं इसको इसका लिख के भेज दूंगा आपको पीडीएफ पे, आज इसको वहां से देख लेना आप लोग जो है ठीक है। तो देखो अब क्या बेटा अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर टाइम टी। ये समझ लेना बेटा, अकॉर्डिंग टू ली चैटले प्रिंसिपल रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर टाइम टी, ठीक है। अकॉर्डिंग टू ली चैटले प्रिंसिपल लिखा होगा बेटा यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू ली चैटले प्रिंसिपल द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर टाइम टी। यहाँ देखो नीचे लिखा हुआ है, बता रहा हूँ मैं आप, यहाँ पढ़ा रहा हूँ आपको, ये चीज है रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर टाइम टी। तो आफ्टर टाइम टी कितना बचा हुआ है, वो बचा हुआ है ए माइनस एक्स, ए माइनस एक्स बचा हुआ है आफ्टर टाइम टी, ठीक है। अब देखो ना रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, आप पहले जानते हो डी एक्स अपॉन डी टी होता है, हम देखो आपको यहाँ पढ़ा रहे हैं रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है हमारा डी एक्स अपॉन डी टी। अब तो डी एक्स अपॉन डी टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ए माइनस एक्स, क्या रिमेनिंग कंसंट्रेशन है, ठीक है। अब क्या किया हमने, इसका जो है हमने प्रोपोर्शनलिटी हटाया, ये हो जाएगा डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल टू के ए माइनस एक्स, डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल टू के ए माइनस एक्स। जब जब प्रोपोर्शनलिटी हटाओगे तो वहां कॉन्स्टेंट आएगा, यहाँ के क्या है रेट कॉन्स्टेंट और वेलोसिटी कॉन्स्टेंट है, या इसको हम ऐसे देख सकते हैं कि ये वाला आपका कि डी एक्स अपॉन ए माइनस एक्स इक्वल टू के डी टू, ऐसा भी कर सकते हैं आप जानते हो सिंपल मैथमेटिक्स यहाँ पे है कि डी एक्स अपॉन ए माइनस एक्स इक्वल टू होता है के डी टी। अब इसका लेंगे इंटीग्रेशन, क्योंकि हम पढ़ क्या रहे हैं इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन पढ़ रहे हैं, इसका हम करेंगे इंटीग्रेशन, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन ए माइनस एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन के डी टी, इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन ए माइनस एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन के डी टी। या फिर इसको ऐसा भी कर सकते हो कि क्योंकि कांस्टेंट का इंटीग्रेशन नहीं होता है, इसलिए हो जाएगा इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन ए माइनस एक्स इक्वल टू के इंटीग्रेशन डी टी, ठीक है। अब देखो बेटा यहाँ पे एक थोड़ा सा जो है एक सिंपल सा है इंटीग्रेशन का है, हालांकि केमिस्ट्री में इंटीग्रेशन जो होता है बेटा वो आपको दिखाना नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको सिखाता हूं कि कैसे आया हुआ है, ठीक है। तो सपोज को बेटा यहाँ पे हमारा क्या है, यहाँ पे देखो ए माइनस एक्स है, यहाँ पे क्या है ए माइनस एक्स, तो हमने मान लिया सपोज ए माइनस एक्स इक्वल टू टी, हमने क्या मान लिया ए माइनस एक्स इक्वल टू टी मान लिया हमने, क्या माना हमने ए माइनस एक्स, बेटा एक्स सही बना नहीं है, आप उसको एक्स पढ़िए ए माइनस एक्स इक्वल टू टी, ठीक है। अब देखो ना यहाँ पे जो ए है ए क्या है अननोन नंबर है, इसकी वैल्यू हो जाएगी जीरो हो जाएगी, कितनी हो जाएगी जीरो माइनस एक्स इक्वल टू टी हो जाएगा,
अब इसका लेंगे डिफरेंशियल, आप लोग जानते होंगे मैथमेटिक्स में डिफरेंशियल लेंगे, ये हो जाएगा माइनस dx इक्वल टू dt हो जाएगा, या dx इक्वल टू माइनस dt, ये हो जाएगा इसका। यहाँ बताया सुन लो, हमने क्या किया था, a माइनस x इक्वल टू t मान लिया हमने। अब चूंकि a हमारा क्या है, अननोन नंबर है, इसकी वैल्यू कितनी होगी कोई संख्या तो है नहीं कुछ, तो हमने जीरो मान लिया, तो जीरो माइनस x इक्वल टू t हो गया। अब इसका लिया डिफरेंशियल, तो डिफरेंशियल जीरो में नहीं होता है, ये हो जाएगा माइनस dx इक्वल टू dt हो जाएगा, या dx इक्वल टू माइनस dt। इतनी बात समझ आ गई, तो नहीं समझ बेटा आप बोल सकते हो, मैंने अभी आपको म्यूट नहीं किया है, कोई डाउट हो गया पूछ सकते हो मुझसे। अब देखो बच्चों, अब क्या किया हमने, यहां भी हमारा हो जाए बताया कि जो हमारा dx था तो हो जाएगा इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस dt, इंटीग्रेशन माइनस dt हो जाएगा, क्योंकि हमारा बता दिया था मैंने dx इक्वल टू माइनस dt आया था, डिवाइडेड बाई, अब a माइनस x को हमने मान लिया था t, a माइनस x को हमने क्या मान लिया था t, तो यहां बेटा आप जानते होंगे एक होता है इंटीग्रेशन dx अपॉन x इक्वल टू होता है log x होता है, ये समझ लो बेटा, इंटीग्रेशन हमारा फार्मूला होता है मैथमेटिक्स का, इंटीग्रेशन dx अपॉन x इक्वल टू होता है log x, ठीक है, तो इंटीग्रेशन dt अपॉन t इक्वल टू क्या हो जाएगा, log t हो जाएगा, इसकी वैल्यू हमारी क्या गई, log t, log जो है ये हमारा लिखा है ln, ln क्या होता है बेटा, ये जो हम करते हैं नंबर के लिए, तो ये भी log ही पढ़ते हैं, ये हो गया log t, ये क्या हो गया log, अब t, अब log, अच्छा यहाँ क्या है माइनस में है, जो होगा माइनस log t हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस dt है ना, तो माइनस log t हो जाएगा। अब हम t, हमने क्या माना था t के लिए, a माइनस x माना था, इसको लिख सकते हैं माइनस log a माइनस x, ये हमारा देखो ए वैल्यू आ गई, मैंने आपको जो है यही वैल्यू ये मैंने करके दिखा, उसमें किया नहीं है क्योंकि मैथमेटिक्स में करने की जरूरत, केमिस्ट्री में करने की जरूरत नहीं है, लेकिन देखो पीछे जो है आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे माइनस log इक्वल टू a माइनस x, देखो कैसे आया यहाँ पर, देखो देखो यहाँ पे, देखो बेटा यहाँ पे माइनस log a माइनस x इक्वल टू, अब समझो k तो हमारा हो गया इंटीग्रेशन, उसका होता नहीं है, अब क्या है इंटीग्रेशन dt इक्वल टू t होता है, तो माइनस log a माइनस x इक्वल टू kt प्लस c, c क्या होता है इंटीग्रेशन कांस्टेंट, कल भी बताया था मैंने, आज भी बताया था कि जब इंटीग्रेशन करते हैं तो उसमें कांस्टेंट लगाते हैं, तो हो जाएगा हमारा माइनस log a माइनस x इक्वल टू kt प्लस c। अब फिर से बेटा वही है कि अगर t इक्वल टू जीरो था तो हमारा a इक्वल टू कितना था, हमारा जो है जब t इक्वल टू जीरो था तो हमारा x भी कितना था, हमारा जीरो था, इन वैल्यूज को हम डाल देंगे इक्वेशन नंबर वन में, तो क्या हो जाएगा हमारा माइनस log a माइनस जीरो, क्योंकि x जीरो है, इक्वल टू के टी, t की वैल्यू जीरो है, प्लस c, तो हमारा आ गया c इक्वल टू माइनस log a आ गया, c इक्वल टू हो गया माइनस log a। अब इसको c की वैल्यू फिर से डाल दी हमने इक्वेशन वन में ही, इक्वेशन वन नहीं इक्वेशन टू में, इक्वेशन टू हमने सी की वैल्यू फिर से डाल दिया, क्या हो जाएगा, इक्वेशन वन में हमने सी की वैल्यू डाल दिया फिर से, ये वाली जो वैल्यू हमारी है ये सी की वैल्यू है, सी की वैल्यू क्या आ गई माइनस लॉग ए इक्वल टू सी, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे देखो पढ़ा रहे हैं आप कि लॉग माइनस लॉग ए माइनस एक्स आपका यहाँ पे है ही है माइनस लॉग ए माइनस एक्स इक्वल टू के टी, के टी प्लस सी की वैल्यू कितनी आई थी माइनस लॉग ए, तो हमने प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो माइनस लॉग ए हो जाएगा, ठीक है ए वैल्यू हो जाएगी माइनस लॉग ए हो जाएगी। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं के इक्वल टू के टी इक्वल टू माइनस लॉग ए माइनस लॉग ए माइनस एक्स, क्योंकि हम इसको उधर ले जाएंगे माइनस लॉग ए उधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो के टी हो जाएगा माइनस लॉग ए प्लस सॉरी लॉग लॉग ए माइनस लॉग ए माइनस एक्स हो जाएगा, उधर जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। अब समझो जब लॉग होता है माइनस में वो हो जाता है डिवाइड,
तो क्या हो जाएगा, KT इक्वल टू log a अपॉन a माइनस x हो जाएगा, क्योंकि जब log होता है माइनस में निगेटिव होता है, यानी माइनस क्या, जब हाँ माइनस में ही होता है तो उसको करते हैं हम उसको डिवाइड कर देते हैं, तो log a अपॉन a माइनस x हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसको डाल लेंगे जो है हमारा जो जनरल हमारा लॉग है बेस, जो हम बेस 10 में डाल लेंगे, ये क्या था बेस ई था, इसको लॉग ई भी लिखते हैं इसको, अब हम करेंगे बेस 10 में, तो बेस 10 में हमारा फार्मूला होता है कि लॉग एक्स इक्वल टू, यानी ये होता है, यहाँ लिखा भी होगा, नहीं लिखा है, यानी ये होता है लॉग एक्स इक्वल टू, ये होता है 2.303 log x, ये हमारा जो log हम लिखा है या log x लिखा है हमारा बेस 10 है, जबकि जो हमारा ln था हमारा बेस e होता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया कि यहाँ पे KT इक्वल टू लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स, या फिर K इक्वल टू 1/T लॉग ए अपॉन एक्स हो जाएगा। अब इसको कर दिया हमने, क्योंकि हमारा लॉग एक्स इक्वल टू होता है 2.303 लॉग 10 होता है, तो हमारा हो जाएगा K इक्वल टू 2.303/T लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स हो जाएगा। ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की हमारा जो है ये हमारा फार्मूला डिराइव हो गया, इसको आप लोग लर्न कर लें, क्योंकि इसके बेस न्यूमेरिकल है। K इक्वल टू हो गया 2.303/T log a अपन a माइनस x, जहां पे k क्या है रेट कांस्टेंट और वेलोसिटी कांस्टेंट है, t आपका टाइम है, a क्या है इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है, और a माइनस x क्या है एक पूरा होल में a माइनस x होता है रिमेनिंग कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर टाइम t, k क्या होता है रेट कांस्टेंट और वेलोसिटी कांस्टेंट, t होता है टाइम, आपका ए क्या है इनिशियल कंसंप्शन ऑफ रिएक्टेंट, ए माइनस एक्स क्या है रिमेनिंग कंसंप्शन ऑफ द रिएक्टेंट। तो अभी इसको फिर समझ लीजिए बेटा, क्योंकि इसमें मेन चीज है कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर टाइम टी, मैं आपको फिर से रिवाइज करा रहा हूं यहां पे। अब रेट ऑफ रिएक्शन हमारा क्या था dx / dt था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर टाइम टी, टी क्या था ए माइनस एक्स था, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाओगे तो यहां k आ जाएगा, dx dx अपॉन a माइनस x इक्वल टू के dt। अब इसका इंटीग्रेशन लेंगे हम, क्या किया कि हमने इंटीग्रेशन किया तो क्या होगा dx इंटीग्रेशन dx अपॉन a माइनस x इक्वल टू इंटीग्रेशन k dt, या फिर k बाहर भी कर सकते हो इंटीग्रेशन dt हो जाएगा आपका जो है। अब कैसे आया जो है इंटीग्रेशन लिया था हमने बता दिया आपको कि माइनस log a माइनस x mr आएगा बाद में इंटीग्रेशन करने के बाद, इंटीग्रेशन कैसे होता बता दिया मैंने आपको ऑलरेडी, माइनस log a माइनस x इक्वल टू होता है k t, चूंकि इंटीग्रेशन dt इक्वल टू होता है t होता है, तो k t प्लस c, c क्या है इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट है। अब If time यानी t equal to zero जब था तो उसमें हमारा क्या था a equal to कितना था zero था, ठीक है, तो सॉरी x equal to कितना था zero था उस समय, तो इस वैल्यू को डाल दिया हमने इक्वेशन यहाँ सेकंड में डाल दिया हमने, तो हमारा आ जाएगा t c equal to जाएगा minus log a आ जाएगा। अब c equal to minus log a को हम फिर से डाल देंगे इक्वेशन नंबर टू में, तो हमारा जाएगा minus log a minus x equal to kt minus log a, इसको लिख सकते हैं हम जो kt equal to log a माइनस x, या जब log होता है नेगेटिव में उसको करते हैं पावर में डिवाइड कर देते हैं, तो kt इक्वल टू log a अपॉन a माइनस x हो जाएगा, या k इक्वल टू 1/t log a माइनस x हो जाएगा। अब इन log बेस e इक्वल टू होता है 2.303 log बेस 10 हो जाता है, तो यहाँ पे हमारा जो था यहाँ पे जो हमारा ln था वहां log हो जाएगा, और ये फार्मूला सब बच्चे याद कर ले इसको, ये फार्मूला होता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का, इसके बेस न्यूमेरिकल होती है, न्यूमेरिकल कराऊंगा क्लास में। k इक्वल टू 2.303/t log a अपॉन a माइनस x, जहां पे k क्या है रेट कांस्टेंट और वेलोसिटी कांस्टेंट, t होता है टाइम, a होता है इनिशियल कंसंप्शन ऑफ रिएक्टेंट,
और ए माइनस एक्स एज ए होल ये है रिमेनिंग कंसंप्शन ऑफ द रिएक्टर। ये आप लोग बेटा इसको देख लेना जो है इसको, ये फर्स्ट ऑर्डर का फार्मूला है। अब यहाँ बेटा अभी देख लो, इफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए इज ए नॉट, यहाँ देखो मैं पढ़ा रहा हूं, यहाँ देखिए हमने जब मान लिया इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए नॉट मान लिया और रिमेनिंग उन्होंने मान लिया ए, तो इन वैल्यू को हम डालेंगे क्वेश्चन नंबर थ्री में, तो हमारा क्या हो जाएगा k इक्वल टू 2.303 अपॉन t log a जीरो माइनस a। एक क्वेश्चन भी वही है, सेम फर्स्ट ऑर्डर का ही है। यहाँ क्या किया था हमने, जो हमारा a अपॉन a माइनस x था, तो a के लिए क्या हो गया a नॉट हो गया यानी इनिशियल कंसंट्रेशन हो गया, और a माइनस x के लिए क्या हुआ रिमेनिंग हो गया। ठीक है, तो सब बच्चे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का फॉर्मूला याद कर लीजिए, क्या होता है k इक्वल टू 2.303 अपॉन t log स्मॉल a अपॉन स्मॉल ए माइनस एक्स, या इसको भी कर सकते हो k इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग ए जीरो माइनस ए। ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का हमारा फार्मूला है, ये मैंने आपको डिराइव करा दिया। ठीक है, अब इसको आगे करने की जरूरत नहीं है, उससे आप पढ़ सकते हो, लेकिन इसकी आदि जनरल फार्मूला आपका यही डिराइव हो गया। दो फार्मूले हैं, ये दोनों आपके न्यूमेरिकल में यूज आएंगे होंगे। तो क्या क्या फार्मूला होता है, k इक्वल टू 2.303 अपॉन t log a अपॉन a माइनस x स्मॉल a अपॉन स्मॉल a माइनस x, या इसको हम लिख सकते हैं ऐसे भी कि k इक्वल टू 2.303 अपॉन t log a जीरो माइनस a जीरो डिवाइड बाय a, जहां पे k क्या होता है रेट कांस्टेंट और वेलोसिटी कांस्टेंट होता है, t होता है आपका टाइम, a जीरो होता है इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यहाँ पे k क्या होता है रेट कांस्टेंट और वेलोसिटी कांस्टेंट, t होता है टाइम, a जीरो है इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और जो हमारा केवल a है वो क्या है रिमेनिंग कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो आप लोग इसको कर लेना जो है, ये फार्मूला हमारा जीरो ऑर्डर का हो गया। और ये फर्स्ट ऑर्डर का है बेटा, k इक्वल टू 2.303 अपॉन t log a अपॉन a माइनस x, ये फार्मूला सब बच्चों को होना चाहिए, पता होना चाहिए। हालांकि डेरिवेशन तो कई बार आता नहीं है, डेरिवेशन कई बार मैंने तो कभी देखा नहीं है कि डेरिवेशन कभी पूछा गया हो, लेकिन फिर भी आपको आना चाहिए। मान लो बोर्ड ने पूछ दिया कि अब तो सब कुछ पैटर्न चेंज ही हो रहा है, तो डेरिवेशन बहुत सिंपल है, आप लोग कर लेना इसको। मैथमेटिक्स वालों को कुछ है ही नहीं जो है, तो थोड़ा सा बायो वालों के लिए भी कुछ भी नहीं, उनके लिए भी है। तो सब बच्चे याद कर ले, k इक्वल टू 2.303 अपॉन t log a अपॉन a माइनस x, दिस इज द फार्मूला ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। यहां पर k क्या होता है रेट कांस्टेंट और वेलोसिटी कांस्टेंट, t क्या होता है टाइम होता है, a क्या होता है इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और a माइनस x बेटा एज ए होल है, इसको a और उसमें x अलग में पढ़ना, इसको एज ए होल है रिमेनिंग कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, इसको इसको दो तरह से मत बोला कि ए का बताओ यूनिट क्या होती है और बी क्या है, ऐसा कुछ नहीं इसमें। ओके सर, ए जो है काफी सिंपलीफाई है बेटा, ये जो चीज है यहाँ पे, ये जो फार्मूला है इसमें आपको ऐसा कुछ नहीं है, देखो ए है वही चीज है भी है, बट k इक्वल टू 2.303 अपॉन t log a जीरो अपॉन a, यहाँ पे बिल्कुल नहीं रहा, a जीरो क्या हो गया कितना था, a क्या है बचा हुआ, अब इससे क्लियर हो गया सबको। ठीक है, यस सर। अब इसके बाद अगला आपका टाइम है हाफ लाइफ पीरियड, इसको हम करते हैं इससे टी वन बाई टू से, ये क्या होता है समझो, जितने समय में किसी भी रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन अपने इनिशियल वैल्यू का हाफ हो जाता है उसे बोलते हैं हाफ लाइफ पीरियड, इसको करते हैं टी वन बाई टू से। टी वन बाई टू में जो वन बाई टू है क्या हाफ लाइफ पीरियड को इंडिकेट करता है, वन बाई टू को इसका न्यूमेरिकल वैल्यू इसका मैथमेटिक्स यूज नहीं होता है, खाली एज ए होल टी वन बाई टू क्या है हाफ लाइफ पीरियड को सिंबल है। तो हाफ लाइफ पीरियड क्या होता है, जितने समय में किसी भी रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन अपने इनिशियल वैल्यू का हाफ हो जाता हो, कैसे हमने लिखा है देखो, अब यहाँ पे देखो हमने हाफ लाइफ पीरियड का क्या लिखा है, ये भी देखिए
द टाइम इन विच द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज रिड्यूस टू हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू इज कॉल्ड हाफ लाइफ. बच्चों को याद हो गया व्हाट इज हाफ लाइफ पीरियड. द टाइम इन विच द कंसंट्रेशन ऑफ अ रिएक्टेंट इज रिड्यूस टू हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू या इनिशियल वैल्यू. ओरिजिनल इनिशियल भी कह सकते हो. इनिशियल वैल्यू इज कॉल्ड हाफ लाइफ पीरियड ऑफ द रिएक्शन. इट इज डिवाइडेड बाय टी वन बाय टू. अब हम बताएंगे हाफ लाइफ पीरियड ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. हाफ लाइफ पीरियड ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है. उसका फार्मूला डेरिवेशन है वो अब देखो आपके सामने है. हम जानते हैं वी नो दैट टी इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स. फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन फार्मूला है और हम फर्स्ट ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ पीरियड का फार्मूला डिराइव कर रहे हैं. अब यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो यहाँ नीचे लिखा हुआ है कि यहाँ टी इक्वल टू क्या आएगा टी वन बाई टू हो जाएगा और जहां एक्स था वो क्या होगा ए बाई टू यानी अपन इनिशियल का हाफ हो जाएगा. एक्स क्या हो जाएगा ए माइनस ए बाई टू यानी इनिशियल का हाफ हो जाएगा. इन वैल्यू को हमने डाल दिया है हमारा जो पहला क्वेश्चन था तो जहां टी था यानी हमने इसको डाल दिया इसके क्वेश्चन में. जहां टी था वहां क्या लिख दिया हमने टी वन बाई टू लिख दिया. अब 2.303 अपॉन के लॉग ए हमारा था ही नीचे हमारा जो एक्स था वहां पे करेंगे ए बाई टू तो ए अपॉन ए माइनस ए बाई टू. अब इसको सिंपल मैथमेटिक्स से यहाँ पे बेटा जो है ये कर लोगे तो हमारा आ जाएगा जो है टी वन बाई टू इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग टू आ जाएगा. ठीक है ये कैसे लॉग टू आया. अब देखो बेटा ऐसा है मैं आपको बता देता हूँ कि लॉग टू कैसे है भी देख लो. देखो ना हमारा क्या है a माइनस ए बाई टू यही है ना. अब इसको हम क्या लिख सकते हैं टू a माइनस ए बाई टू या क्या हो जाएगा हमारा a बाई टू. समझ गया. अब देखो बेटा जो है जो अब हमारा क्या था बेटा ए अपान ए बाई टू आया. अब ए से क्या होगा कैंसिल हो जाएगा इसको लिख सकते हैं हम जो है लॉग टू. समझ क्योंकि ए माइनस ए बाई टू करोगे तो हमारा ए बाई टू आएगा फिर ए से कैंसिल हो जाएगा हमारा बचेगा लॉग. मुझे लगता है आप लोगों को समझ एक चीज समझ आई होगी सिंपल मैथमेटिक्स से आप लोग जानते होंगे. अब लॉग टू की जो वैल्यू होती है जो लॉग टू की वैल्यू होती है ए होती है तुम्हारा जो है 0.3010 तो हमारा हो जाएगा टी वन बाई टू इक्वल टू 2.303 इंटू 0.3010 डिवाइड बाई के. अब इसे मल्टीप्लाई कर लोगे तो आ जाएगा टी वन बाई टू इक्वल टू 0.693 अपॉन के. तो सब बच्चे याद कर लीजिए हाफ लाइफ पीरियड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का फॉर्मूला क्या होता है के इक्वल टू टू सॉरी टी हाफ इक्वल टू 0.693 अपॉन के या के इक्वल टू 0.693 अपॉन टी वन बाई टू. ये हो गया अब हमारा जो है हाफ लाइफ पीरियड ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है टी वन बाई टू इक्वल टू 0.693 अपॉन के या k इक्वल टू 0.693 अपॉन k. अब इससे क्या पता लग रहा है हाफ लाइफ जो पीरियड होती है वो क्या होता है रेट कांस्टेंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है. थस हाफ लाइफ पीरियड ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इनिशियल कंसंप्शन ऑफ द रिएक्टेंट. हाफ लाइफ पीरियड ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेट. क्योंकि क्या है हमारा जो है टी वन बाई टू क्या है 0.693 अपॉन के है यानी डिवाइड में है इसलिए क्या होता है इनवर्सली हो जाएगा यानी हाफ लाइफ पीरियड जो है जब बढ़ेगा तो के की वैल्यू क्या हो जाएगी कम हो जाएगी और जब के की वैल्यू ज्यादा होगी तो हाफ लाइफ पीरियड क्या होगा कम होगा. अब हम पढ़ेंगे जो है तो सब बच्चों को याद हो गया. देखो इसमें एक तो आपका जीरो ऑर्डर का फार्मूला है क्या फार्मूला होता है सब बच्चों को याद कर लो. k
इक्वल टू वन अपॉन टी ए जीरो माइनस ए। फर्स्ट ऑर्डर सर फॉर्मूला क्या होता है, के इक्वल टू टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री अपॉन के लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स, या के इक्वल टू टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री अपॉन टी लॉग ए जीरो माइनस अपॉन ए। हाफ लाइफ पीरियड का फर्स्ट ऑर्डर फॉर्मूला क्या होता है, टी वन बाई टू इक्वल टू जीरो पॉइंट सिक्स नाइन थ्री अपॉन के। हाफ लाइफ पीरियड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेट कांस्टेंट और वेलोसिटी कांस्टेंट एंड इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। मतलब क्या होता है, जैसे मान लो किसी भी सब्सटेंस का हाफ लाइफ पीरियड मान लो जो है 2000 ईयर है, तो एक ग्राम भी जाके आधा ग्राम बनेगा 2000 ईयर में ही, और एक किलोग्राम भी लोगे तो भी आधा किलोग्राम यानी उसका जो बनेगा 500 ग्राम 2000 ईयर में ही, या 2000 किलोग्राम लोगे तो भी जाके 2000 ईयर में जाके उसका 1000 किलोग्राम होगा। ये होता है, वो इससे मतलब नहीं है कि एक ग्राम फट से हो जाएगा, उतने टाइम में जाके होगा, ये होता है हाफ लाइफ पीरियड का। इसलिए क्या होता है, इनिशियल कंसंट्रेशन डिपेंड नहीं करता है। अब यहाँ पे है कैलकुलेशन ऑफ 3/4 लाइफ पीरियड, तो कुछ नहीं है इसमें, जहां जो हमारा टी था वह टी 3/4 हो जाएगा और एक्स हो जाएगा 3a/4/3/4 हो गया ए का, एक्स कितना होगा 3a/4। इस वैल्यू को डाल दोगे अल्टीमेटली, सिंपल कैलकुलेशन है देख लोगे आप लोग जो है, ये हो जाएगा हमारा टी 3/4 इक्वल टू 1.3866 अपॉन के। ये सिंपल मैथमेटिक्स आप लोग देख लेना। अब हमारा दूसरा नेक्स्ट है लास्ट जो है इसका, हाफ लाइफ पीरियड ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। हाफ लाइफ पीरियड ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन ये क्या होता है, हम जानते हैं जीरो ऑर्डर में कि के टी इक्वल टू ए जीरो माइनस ए, ये हम जानते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, टी इक्वल टू हो जाएगा टी वन बाई टू और ए क्या हो जाएगा ए जीरो बाई टू, इनिशियल का आधा हो जाएगा। इन वैल्यू को डाल दो रिएक्शन के टी वाले में, इनको डाल दो क्या हो जाएगा, के टी वन बाई टू इक्वल टू ए जीरो अपॉन टू, या टी वन बाई टू इक्वल हो जाएगा ए जीरो अपॉन टू के। ये सिंपल सिंपल फार्मूला है इसका जो है, डेरिवेशन है इसको, आप लोग देख लेना, कोई डाउट होगा फिर से बता देंगे आपको। अब खाली दो टॉपिक हमको और पढ़ाना है, आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा, बस केवल दो टॉपिक और है, उसके बाद चैप्टर खत्म हो जाएगा। कौन कौन से सर? बस यही है आपके सामने आ गया, एक्सपेरिमेंटल डिटरमिनेशन ऑफ ऑर्डर रिएक्शन। इसमें दो मेथड है, ग्राफिकल मेथड है और आपका पीछे एक और मेथड है छोटा सा, ओस्टवर्ड आइसोलेशन मेथड। बस हो गया, सही ठीक है। पहला हम क्या पढ़ा रहे हैं, आप जा रहे हैं आपको जो है, दिस इज द एक्सपेरिमेंटल डिटरमिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये क्या है, एक्सपेरिमेंटल डिटरमिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ये हमारा है ग्राफिकल मेथड, ठीक है। तो यहाँ देखिए बस थोड़ा सा थ्योरी है, पढ़ लेना, इसमें कुछ नहीं है, मैं पढ़ाता हूँ आपको। बस ये लास्ट टॉपिक है चैप्टर का आपका जो है, और फिर बचेंगे न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल आपको पढ़ा देंगे आपको जो है, न्यूमेरिकल क्लास में पढ़ाएंगे। तो क्या होता है, दिस मेथड कैन बी यूज फॉर डिटरमिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फॉर दोज रिएक्शंस हैविंग ओनली वन रिएक्टेंट, ठीक है। तो इसको हम कब यूज करते हैं, जिसमें केवल एक ही रिएक्टेंट होता है तभी यूज करते हैं, अगर रिएक्टेंट और ज्यादा होंगे तो हम दूसरा यूज करते हैं, ओस्टवर्ड आइसोलेशन। ग्राफिकल मेथड यूज तब करते हैं जिसमें केवल एक ही रिएक्टेंट होते हैं, ये बात समझ आ गई। तो हमारा क्या रिएक्शन हो जाएगा, एन ए इक्वल टू प्रोडक्ट। अब इसको कैसे लिखेंगे, रेट इक्वल टू रेट इक्वल टू हो जाएगा के ए की पावर एन हो जाएगा, जहां पे एन क्या होता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है, स्मॉल एन क्या था, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब फिर क्या लिखा हुआ है, इन दिस मेथड कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स आर मेजर्ड बाई सुटेबल मेथड। हम क्या कर, रिएक्शन जो है क्या होता है, चल रहा है, हमने मान लो आधे घंटे बाद उसका निकाला जो है, फिर देखेंगे कितना कंसंट्रेशन शुरू में था, अब कितना बचा है, फिर अगले आधे घंटे बाद कितना निकालेंगे, या कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी टाइम, 15 मिनट 20 30 मिनट 45 मिनट, ऐसे करके 10 मिनट 20 मिनट, जैसा भी रिएक्शन है उसके अकॉर्डिंग। तो हम क्या करते हैं, सुटेबल इंटरवल टाइम पे उसका क्या करते हैं जो है, हम कंसंट्रेशन निकालते हैं और देखते हैं कितना बचा हुआ। तो मैंने क्या लिखा हुआ है, इन दिस मेथड कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स आर मेजर्ड बाय सुटेबल मेथड, देन ए ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन द कंसंट्रेशन एंड टाइम। तो कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में क्या करेंगे, ग्राफ प्लॉट करेंगे।
एंड इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन एट डिफरेंट टाइम इज कैलकुलेटेड। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन हम से निकाल लेंगे, इसको पढ़ लोगे सब समझ जाएगा जो है, ठीक है। अब देन ए ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन द रेट ऑफ रिएक्शन एंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बाय अज्यूमिंग n इक्वल टू 1। हम किस किसके बीच में ग्राफ प्लॉट कर देखो, अब यहां ग्राफ नीचे बना हुआ है, ये किसके बीच में है, कंसंट्रेशन और टाइम के बीच बना है, यानी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और रेट ऑफ रिएक्शन के बीच में हमारा जो है क्या है ग्राफ है, ये है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और नीचे हमारा क्या है रेट ऑफ रिएक्शन, यहां लिखा है हमने जो है इफ ए ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन एंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बाय अज्यूमिंग n इक्वल टू 1, इफ ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन, अगर ग्राफ क्या होता है स्ट्रेट लाइन आता है, देखो आप फर्स्ट ऑर्डर में भी स्ट्रेट लाइन है, अगर ग्राफ स्ट्रेट लाइन आता दिस देन क्या है इट इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इफ इट इज नॉट स्ट्रेट, अगर स्ट्रेट लाइन नहीं आता है देन अगेन ग्राफ इज ड्रॉन बिटवीन द ए स्क्वायर एंड रेट ऑफ रिएक्शन, कंसंट्रेशन हम डबल कर दिया। इफ ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन देन इट इज सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, लेकिन मान लो इफ इट इज नॉट स्ट्रेट लाइन देन अगेन ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन ए क्यूब एंड रेट ऑफ रिएक्शन एंड ग्राफ कम्स स्ट्रेट लाइन एंड इट इज थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। और फिर क्या लिखा हुआ है, इफ रेट ऑफ रिएक्शन रिमेन्स कॉन्स्टेंट इन रेट वर्सेस कंसंट्रेशन, ग्राफ जो पहला वाला ग्राफ है ये वाला, ये जो ग्राफ है, एंड इफ रेट ऑफ रिएक्शन रिमेन्स कॉन्स्टेंट इन रेट वर्सेस कंसंट्रेशन ग्राफ देन रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एंड इट इज कॉल्ड जीरो ऑर्डर। तो कुछ बेटा नहीं है इसमें, पहले हम क्या कर सकते हो, पहले हम सूटेबल इंटरवल टाइम पे हम रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन रिएक्शन होता जा रहा है, हम सूटेबल इंटरवल टाइम पे आपका सैंपल कलेक्ट करेंगे और फिर कंसंट्रेशन का रिएक्टेंट कंसंट्रेशन हम फाइंड करेंगे और फिर हम कंसंट्रेशन और टाइम का ग्राफ प्लॉट करेंगे, उससे हमको मिलेगा इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन मिलेगा, फिर हम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और रेट ऑफ रिएक्शन के बीच में ग्राफ ड्रॉ करेंगे, जो नीचे ग्राफ आपका है एक पीछे भी है, ये जो नीचे वाला ग्राफ है ए? तो रेट ऑफ रिएक्शन और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के पहले हम क्या करें यानी इक्वल टू 1 मानेंगे तो स्टेट आ जाएगा, तो फर्स्ट लाइन फर्स्ट ऑर्डर है, अगर नहीं आता है स्टेट तो फिर हम कंसंट्रेशन स्क्वायर करेंगे और रेट ऑफ रिएक्शन के बीच में ग्राफ प्लॉट करेंगे, अगर स्टेट आता है तो सेकंड ऑर्डर हो जाएगा, अगर सेकंड नहीं आता है, अगर स्टेट नहीं आता है तो हम क्या करें कंसंट्रेशन का क्यूब करेंगे और रेट ऑफ रिएक्शन बीच में करेंगे, अगर आता है आपका स्टेट तो थर्ड ऑर्डर हो जाएगा, लेकिन अगर कंसंट्रेशन वर्सेस रेट ऑफ रिएक्शन ग्राफ पे क्या होता है इंडिपेंडेंट होता है, यानी इफ द रेट ऑफ रिएक्शन रिमेन्स कॉन्स्टेंट इन द रेट वर्सेस कंसंट्रेशन ग्राफ देन इट इज कॉल्ड द्वारा जो होता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ये बता दिए मैंने आपको जो है, इसको आप पढ़ोगे एक बार दो बार तो समझ आएगा, उसमें मैंने बता दिया ही है इसमें। हम क्या करते हैं, आपका रिएक्शन चल रहा होता है उस समय आपको क्या करना होता है कि डिफरेंट इंटरवल टाइम पे आपको सैंपल कलेक्ट करना है और रिएक्टेंट कंसंट्रेशन फाइंड करना है, देन यू हैव टू प्लॉट ए ग्राफ बिटवीन कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम और देन यू कैन फाइंड इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। इसके बाद फिर आपको ग्राफ प्लॉट करना है बिटवीन द कंसंट्रेशन और रेट ऑफ रिएक्शन बीच में, अज्यूमिंग n इक्वल टू 1, स्टेट आएगी तो फिर फर्स्ट ऑर्डर है, अगर स्टेट नहीं आती फिर अगेन कंसंट्रेशन स्क्वायर करना है और रेट ऑफ रिएक्शन बीच में, अगर स्टेट अब आ जाएगी तो फिर हमारा सेकंड ऑर्डर हो जाएगा, अगर अभी भी नहीं आ रही है तो फिर आप जो है कंसंट्रेशन क्यूब करोगे और रेट ऑफ रिएक्शन बीच में ग्राफ प्लॉट करोगे और तो स्टेट आएगी थर्ड हो जाएगा, लेकिन अगर क्या होता है तुम्हारा जो है इफ रेट ऑफ रिएक्शन रिमेन्स कॉन्स्टेंट तो हमारा होगा जीरो ऑर्डर। अब एक दो मिनट टॉपिक और है फिर आपका चैप्टर ये फिनिश हो जाएगा। देखो यहाँ लिखा हुआ है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और यहाँ पे है रेट ऑफ रिएक्शन। अभी हमारा दूसरा है ओस्टवर्ड आइसोलेशन मेथड। दिस मेथड वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय ओस्टवर्ड इन 1902 में ओस्टवर्ड बताया था इसको।
दिस मेथड इज यूज फॉर द डिटरमिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन व्हेन देयर आर ए नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स. जब एक ही रिएक्टेंट होगा तब तो हम करेंगे ग्राफिकल मेथड, और जब कई रिएक्टेंट होते हैं तो हम यूज करते हैं ऑस्टवर्ड आइसोलेशन मेथड यूज करते हैं. इन दिस मेथड एक्सेप्ट वन रिएक्टेंट द कंसंट्रेशन ऑफ ऑल अदर रिएक्टेंट्स आर टेकन इन एक्सेस. यानी एक को छोड़कर के बाकी का जो है कंसंट्रेशन जो है वो हम क्या करते हैं ज्यादा लेते हैं. द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ओनली अपॉन द रिएक्टेंट टेकन ए स्मॉलर अमाउंट. तो रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करेगा, जो सबसे कम रहेगा उस पे डिपेंड करेगा. दिस प्रोसेस इज रिपीटेड विद अदर रिएक्टेंट वन बाई वन एंड डिटरमिन द ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू ईच रिएक्टेंट, और फिर सबको एड कर लो, दिस इज द ओवरऑल ऑर्डर. एग्जाम्पल के लिए कंसिडर ए जनरल रिएक्शन ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू प्रोडक्ट. ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू प्रोडक्ट. सपोज वी डिटरमिन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ऑफ ए बाई टेकिंग कंसंट्रेशन ऑफ बी एंड सी इन एक्सेस एंड ऑर्डर कम्स पी, मान लो पी आ गया. सिमिलरली वी डिटरमिन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ऑफ बी बाय टेकिंग ए एंड सी इन एक्सेस. सपोज हमारा क्यू आ गया, देन वी डिटरमिन द ऑर्डर ऑफ सी बाय टेकिंग ए एंड बी, और मान लो क्यू आ गया, आर आ गया, तो हम ओवरऑल ऑर्डर क्या होगा तीनों को ऐड कर लो. अब यहाँ पे एक बात यहाँ पर क्वेश्चन में आ रहा होगा कि ये जो कंसंट्रेशन है जो है जो रेट ऑफ रिएक्शन है सबसे कम वाले डिपेंड कैसे करेंगे. ये बात आपको समझ आ रही होगी कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है सबसे कम वाले रिएक्टेंट पे कैसे डिपेंड करेगा. ये समझो, सपोज को बेटा एक साइकिल मैन्युफैक्चर कंपनी है, उसने 100 टायर बनाया है, और आप साइकिल के जितने पार्ट जानते हो सब पार्ट उसने 5,000 उसने प्रिपेयर किया है. सब पार्ट्स को मान लो उसने 5,000-10,000 प्रिपेयर किया, लेकिन उसने टायर बनाया है सिर्फ 100. तो साइकिल जो फिनिश होगी कितनी बनेगी, सिर्फ 50 साइकिल बनेगी, क्योंकि बाकी सब में टायर नहीं रहेगा, उस साइकिल हमारा फिनिश नहीं हुई. ठीक है, तो बस यही चीज है. यानी जो उसका जो साइकिल का जो प्रोडक्शन है सबसे किस पे डिपेंड करेगा, जो पार्ट सबसे कम बनाए जाएंगे उसी पर डिपेंड करेगा, उतना ही साइकिल जो है वो फिनिश आपकी आ जाएगी, अदरवाइज बाकी में आपके जो है वो पार्ट्स नहीं होंगे. ये है. तो जैसे मान लो उसने क्यों 100 ही टायर बनाए थे, बाकी जितने पार्ट्स आप देख रहे हो वो सब 5-5, 10-10 हजार बना दिए थे, लेकिन सिर्फ साइकिल फिनिश साइकिल निकली कितनी, 50 निकलेगी, क्योंकि एक साइकिल में 2 टायर जुड़े. तो सबसे कम पे डिपेंड करता है. इसको पढ़ना आप लोग जो है जो ग्राफिकल मेथड है और ऑस्टवर्ड आइसोलेशन मेथड है, तो फिर इसको हम एक बार और समझा देंगे, आपको समझ आ जाएगा. क्योंकि अभी ये लग रहा होगा सर ने क्या समझा दिया है, एक दो बार इसको पढ़ना तो समझ आएगा. और कल आप लोगों को जो है वन है भी या जो है एक साल बाद है, मतलब 2022 है, तो कल आप लोगों क्लास नहीं रहेगी, फिर क्लास में लगाऊंगा परसों. ठीक है, और जितने बच्चे यहाँ ज्वाइन किए बेटा हमारी तरफ से जो है आपकी जो है अच्छे से जो है हैप्पी न्यू ईयर बेटा जो है, और आप लोग बेटा जो है अगर सेकंड टर्म में बेटा जो है सर. हाँ बेटा बोलो बोलो. पाणी जी कहाँ चिल्ला रही हो, संडे को क्लास मत लगाना. संडे को? हाँ संडे को भी छुट्टी कर देना. अरे यार ऐसा मत करो सर, सर, दो तीन टॉपिक पर. सर क्या फायदा होगा, मैं क्लास तो ले ही नहीं पाऊंगी. आप कहीं जा रहे हो? हाँ सर घूमने जा रही हूँ. अरे क्या बात है भाई, नए साल में घूमना स्टार्ट हो गया. चलो ठीक है, जब सभी बच्चों का यही इच्छा है बेटा, संडे क्लास नहीं लगा रही है. लगाओ सर, लगाना सर. चलो मैं सोच लूंगा, मिश्रा से पूछ लूंगा, और वो लगा रहा हूँ तब लगाऊंगा, और नहीं लगाएंगे फिर नहीं लगाऊंगा, मैं बात कर लूंगा. सर लगा लेना, फिर टाइम नहीं मिलेगा ना. अच्छा बेटा आप समझो, अब मैं इसको थोड़ा सा रिवाइज भी कराऊंगा, प्लस मैं यूज करूंगा, बहुत सिंपल चैप्टर है, चैप्टर 4 सरफेस केमिस्ट्री. बिल्कुल थियोरेटिकल है, कोई मैथमेटिक्स नहीं है, और अगर आप लोग ध्यान से पढ़ोगे नोट्स भी मैं दे दूंगा आपको जो है, और आपको सब याद हो जाएगा. बहुत सिंपल चैप्टर है, बिल्कुल थ्योरी है उसमें, और तमाम चीजें आपने ऑलरेडी 9th में पढ़ा हुआ है वही चीज है. ठीक है, अब रही बात संडे की है, तो मैं आज ही बात कर लूंगा अभी सर से, जस्ट बात करूंगा, तो जैसा कहेंगे जैसे सर जो है, अगर नहीं कहेंगे तो फिर मंडे से स्टार्ट करूंगा फिर. तो फिर आपकी फिर एक दो क्लास ही हो पाएगी, फिर मंडे ट्यूजडे आई थिंक वेडनेसडे शायद, वेडनेसडे स्कूल खुल रही शायद.
तो मैं देख लूंगा फिर कितना होता है। ओके बेटा, फिर मेरी तरफ से बेटा सबको हैप्पी न्यू ईयर बेटा जो है, और आप लोग जो है सेकंड टर्म में बहुत अच्छा करें, हमारी यही शुभकामना है बेटा जो है। आप लोग अच्छे मार्क्स से सब जो है 2020 के एग्जाम होते हैं उसको पास करें, बस यही हम चाहते हैं, बहुत बढ़िया मार्क्स सब बच्चे लाए। ओके बेटा थैंक यू, फिर जो है अब मैं मीटिंग एंड करता हूँ। किसी बच्चे कुछ बात करनी है तो आज मैं मीटिंग एंड करता हूँ। हाँ बच्चों,